कूदले लो बच्चा दे दो। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी की, जहां 50 साल पहले एक चुड़ैल का आतंक इस कदर फैला था कि पूरे गांव की औरतें अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपाए रहती थीं। सन्नाटा पसर जाता था। उस चुड़ैल को लोगों ने कैद कर दिया था, लेकिन सुमन नाम की उस गांव की महिला की छोटी बहन जब अपने बच्चे के साथ गाँव पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ कि कई सालों तक कैद एक डरावना राज फिर खुल गया। हमारा नाम बोधिया है, हम गौरा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा जन्म पट्टी प्रतापगढ़ में हुआ। ये हमें पता था कि हमारे गांव में एक टोहनी का श्राप था जो चुड़ैल के रूप में थी, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि वह इतना खतरनाक हो सकती है। गाँव वाले बड़े डरपोक होते हो, आज तो मैं चुड़ैल से मिलकर ही रहूंगा, कहाँ मिलेगी चुड़ैल। भैया वो अंदर घोर जंगल में एक पेड़ के पास रहती है, उसके बड़े बड़े बाल हैं और बड़े बड़े नाखून। हाँ, और फिर उसके पैर भी उल्टे हैं। कहते उसकी तो परछाई नहीं होती। फिर तो मिलना पड़ेगा चुड़ैल से, चलो चलते उस पेड़ के पास। बस बस अब आगे मत जा, देख रात भी हो गई है। नहीं, हम जाएंगे वहाँ। वापस चल, वरना मैं तुम्हारी मासी से शिकायत कर दूंगी। कर दे, आज तो हम चुड़ैल के दर्शन करके ही रहेंगे। बबलू भैया हमको भी बहुत डर लग रहा है, डरपोक कहीं के। जाना है तो जाओ, पीछे भी चुड़ैल मिल सकती है। अब तो अंधेरा भी हो गया है। उस पेड़ के सभी ना जाए, चुड़ैल की रोक है।
ये है उस चुड़ैल का पेड़। बबलू नहीं, राधे कैसे बुलाते चुड़ैल को? नहीं बोलोगे तो सोच लो, हम तुमको अपने साथ खिलाएंगे नहीं। भैया मैंने अपने बड़े भैया से सुना है कि इस पेड़ में लगा लाल दस को हटा दे और 3 बार दूध ले लो बच्चा दे दो कहे, फिर चुड़ैल इस पेड़ में से बाहर आ जाएगी। अभी देखना कैसे बुलाते हैं हम चुड़ैल को। नहीं मज्जर, बच्चा दे दो, दूध ले लो बच्चा दे दो, दूध ले लो बच्चा दे दो। चुड़ैल फिर से आ गई क्योंकि बबलू ने औरों का हटा दिया था जिसे गांव के पंडित जी ने चुड़ैल को आने से रोकने के लिए लगाया था। उस छोटे से बच्चे को ये पता नहीं था कि उसकी इस नादानी की वजह से जाने कितने लोगों को कितनी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। चुड़ैल का आतंक फिर से शुरू हो गया था। जिस रात यह घटना घटी गाँव के सब लोग बेखौफ होकर सो रहे थे। हे भगवान, ये अनर्थ कैसे हो गया? दीदी अब नहीं छोड़ेगी वो हमें। कौन नहीं छोड़ेगी? अब हमें नहीं छोड़ेगी। किसकी बात कर रहे हैं दीदी? बच्चों को उठा, बच्चों को जल्दी से अंदर वाले कमरे में छुपाते हैं। ए गुड़िया, ए बबलू, उठ उठ, चल चल जल्दी, तू आ जल्दी। दीदी दीदी क्या हो रहा है, जल्दी बताइए। दीदी बताऊंगी सर, चल जल्दी। दीदी चल, दीदी कुछ तो बताइए, क्या हो रहा है ये सब? मुझे डर लग रहा है दीदी, आप क्या कर रही है? अब तो कुछ बताइए दीदी, क्या होने वाला है?
मम्मी बचाओ बचाओ गुड़िया हमारे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं मम्मी दीदी छोड़ दो हमारे बच्चों को छोड़ दो छोड़ दो हमारे को बचाओ बचाओ हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को बचाओ बबलू बबलू ठीक है तू मेरे बबलू को दीदी सुन लो मेरे बबलू को ले गए मेरे बबलू को ले गई वो भगवान गुड़िया गुड़िया बबलू कहाँ है भगवान मेरा बबलू तू शांत रह मेरा बबलू कहाँ गया हम दोबारा से मदद मांगेंगे मांगेंगे हम अरे भैया अनर्थ हुई हुआ कोई चुड़ैल फिर आए गई हाँ हाँ भैया हमने भी उसकी आवाज सुनी थी अरे हमको ऐसा लगा कि ये हमारा रहम है आज उसने सुबन की बहन का बच्चा लिया है कल हमारे बच्चे की बारी हो सकती है भैया हम कहते हैं ये सारी बात जाकर पंडित जी से बता दें अरे हम गए थे वहाँ दो दिन के लिए पद यात्रा पर गए हैं अब क्या होगा हम तो बर्बाद हो गए हे भगवान हमारे गांव की रक्षा करो भगवान बहुत समझाया था उसे मौसी जी लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी हमें हमारे बबलू के पास जाना है दीदी हमें अपने बबलू के पास जाना है दीदी हमें उस पेड़ का पता बताइए ना दीदी उर्मी पागल मत बन अब कुछ नहीं हो सकता भूल जा उसे नहीं नहीं दीदी अब नहीं बोल सकते हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बबलू हमें आवाज दे रहा है हमें बुला रहा है हमें उसके पास जाना है दीदी आप हमारी मदद करिए ना हम आपके आगे हाथ जोड़ते शांति दीदी हमारा बबलू करिए ना दीदी सब जानते थे कि उर्मिला भाभी जो कह रही हैं वह असंभव है सबने उन्हें अच्छी तरह से समझाया बुझाया लेकिन वो एक निर्भीक और जिद्दी महिला थी वो नहीं मानी अपने बच्चे के लिए वो जंगल में चली गई वहां उन्हें किसी ने पदचिन्ह और जंगल का रास्ता बता दिया था हम लोग बहुत दुखी थे कि अब बच्चे के बाद माँ को भी वो चुड़ैल जरूर अपना ग्रास बना लेगी क्योंकि जो भी आज तक चुड़ैल के पदचिन्हों पर गया वापस नहीं आया लेकिन उर्मिला भाभी निरंतर आगे बढ़ रही थी बबलू बेटा बबलू बबलू बेटा बेटा तुझे कुछ नहीं होगा बेटा मैं हूं ना यहां पर बबलू बबलू फिर वो पेड़ है कौन सा मैं कैसे पता लगाऊं बबलू 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 छोड़ के चले जाएंगे
मुझे तो छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे और बच्चे चाहिए। फिर पूर्णिमा की रात उन तीनों बच्चों की बलि देकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। चली जा और जाकर गांव वालों को बोल दे कि टोनी चुड़ैल फिर आएगी आज रात। रोक सकते हो तो रोक लो। उसे तीन बच्चे चाहिए, यानी वो मेरे बबलू को आज नहीं मार पाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मुझे गांव वालों को जाके ये बताना होगा। शुक्र है तू तो बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गई है बेटा, तू ठीक है। पर दीदी, मैं बबलू को नहीं ला पाई। ये चुड़ैल की कहानी क्या है, क्या है उसका अतीत, क्यों करती है वो ये सब? बहुत समय पहले की बात है, इस गांव में एक तारा नाम की औरत रहती थी। जन्म से ही बहुत मनहूस थी वो। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई और जब खुद माँ बनी तो अपने बच्चे को खा गई। वो शैतानी प्रवृत्ति की थी, काली जुबान थी उसकी और आंखों से टोना करती थी। इसीलिए गांव वाले उसे टोहनी के नाम से बुलाते थे। उसके ससुराल वालों ने भी इसी कारण से उसे घर से बाहर कर दिया था। वो जंगल में उसी पेड़ के पास रहने लगी अकेली और वहां उसने जादू टोना शुरू कर दिया। कोई भी गांव का व्यक्ति उस तरफ जाता तो मर जाता। और धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि पहले तो उसने ससुराल वालों को मार दिया और फिर गांव के सारे बच्चों को ले जाने लगी। उसका डर इतना बढ़ गया कि लोग भगवान से मदद मांगने लगे। पर उसका काम कम नहीं हुआ। वो हर पूर्णिमा की रात को आती और एक बच्चे को ले जाती और फिर उस पर टोना टोटका करती। एक रात जब गांव के किसी बच्चे को चुरा कर उस पर जादू कर रही थी तो वहां से एक पहलवान अपनी कुश्ती कर लौट रहा था। उसका नाम पीरभक्ष था। उस जमाने में लोग पैदल ही चला करते थे। कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं उस्ताद। डर मत, चल मेरे साथ। कोई टोनी है।
सलीम, बच्चे को उठा। ये जरूर कोई चोरी, बता कहाँ से लाई है बच्चा। वैसे नहीं मानेगी। मैं बच्चे को पट्टे से चुरा के लाई थी। मैं सबके बच्चे मार दूंगी, किसी का बच्चा नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे तुम। ये धमकी दे रही है रहमान को? उस जैसी को रोज फूल चटा दी। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। टोनी को जला के मार डालो, मार डालो। गलत कर रहे तुम लोग, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं भर के फिर से वापस आऊंगी, तुम लोग चैन से नहीं जियोगे, मेरा शाप है तुम्हें। अरे रुक जाओ गांव वालों, रुक जाओ। अरे ये क्या किया आप लोगों ने? मरने के बाद वो भटकने लगी और फिर चुड़ैल बन गई, उल्टे पैरों वाली एक खतरनाक चुड़ैल। गांव के बच्चे फिर गायब होने लगे। वो कहती थी दूध ले लो, बच्चे दे दो। इस बात से गांव में इतनी दहशत फैल गई कि लोग पंडित के पास मदद के लिए पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें बहुत सुनाया, मगर फिर पंडित जी ने गांव के हित में फैसला लिया और निश्चय किया कि वो उस चुड़ैल को कैद करेगा। रहे कोई भूल कर भी इस लाल अभिमंत्रित धागे को ना खोले और कोई भी तीन बार ये ना कहे कि दूध ले लो, बच्चा दे दो, वरना ये डायन फिर से जाग जाएगी। दीदी फिर तो हमें उस पंडित जी से मिलना चाहिए ना। हाँ पंडित जी बजरंग बली की पदयात्रा में गए थे और सुना है कल वापस भी आ रहे हैं। सुमन भाभी ने जब सारी कहानी सुनाई तो उर्मिला भाभी पूरी तरह से घबरा गई थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके बच्चे को अब तुन्हें चुड़ैल नहीं छोड़ेगी, और पंडित जी भी गांव में नहीं थे। अब सबको अपने बच्चों की चिंता सताई जा रही थी कि रात कैसे कटे। जिसका अंदेशा था वही हुआ। जैसे ही रात का सन्नाटा पसरा, चुड़ैल का आतंक फिर से छा गया।
से बच्चों के जिस्म की खुशबू सुन लेती हूँ। गांव वालों में से जरूर किसी ने उस धागे को हटाया है, तभी वो चुड़ैल वापस आई और अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। मैं दो चार दिन के लिए गांव से क्या बाहर गया, ये सब हो गया। महाराज, महाराज, हम जानते हैं कि हमारे बच्चे से नादानी हुई, पर अब जो भी करना है वो आप ही कर सकते हैं। पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या क्या करेगी वो। महाराज जी, हम गए थे उस पेड़ के पास और उसने हमसे कहा कि पूर्णिमा तक उसे 3 बच्चों की बलि चाहिए, जिसके बाद वो सबको मारकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। कुछ करिए महाराज जी, कुछ करिए। हमारा बच्चा भी लेगी कल रात को महाराज। इसका मतलब 2 बच्चे उसके पास हैं। तीसरा बच्चा लेने वो गांव में जरूर आएगी, यही मौका है हमारे पास पूर्णमासी से पहले गांव में उसे धर दबोचने का। ठीक है, अभी आप लोग जाइए, रात्रि होने से पहले मैं अपना उद्देश्य तुम्हें बता दूंगा। पंडित जी को भी पहले पता नहीं था कि उस चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि वह इस बार और भी बलशाली हो गई थी। गांव वालों से उन्होंने एक बच्चा मांगा कि उस बच्चे की आड़ में चुड़ैल को पकड़ा जा सके, लेकिन किसी भी गांव वाले ने बच्चा नहीं दिया। पर पंडित जी इस बुरे समय को खत्म करना चाहते थे। रात होने को थी, सब भयभीत थे। तब पंडित जी ने सुमन भाभी से उनकी गुड़िया को मांगा। पहले तो सुमन भाभी ने भी मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी बहन के लिए राजी हो गई। तब पंडित जी ने अपने मंत्र का धागा सभी गांव वालों के दरवाजे पर बांध दिया, जिसे कि चुड़ैल कहीं और न जाकर सीधे सुमन भाभी के घर में आए। वहां पंडित जी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। तुम चिंता मत करो, भगवान पर आस्था रखो, तुम्हारी गुड़िया का कुछ नहीं होगा। आज वो चुड़ैल एक बार आ जाए बस। पंडित जी,
किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। क्या फायदा, मैंने तुम लोगों को पहले ही आगाह किया था, तुम लोगों की गलती के कारण वो गुड़िया को लेकर चली गई। हमें क्षमा कर दीजिए पंडित जी, पर हम जो भी कर सकते सिर्फ आप कर सकते। हम जानते हैं कि कल पूर्णिमा है और उसके हिसाब से उसे उसके तीन बच्चे मिल चुके। कुछ करिए पंडित जी, कुछ करिए, हम पे तरस करिए। वो सारे बच्चों को मार देगी पंडित जी। ठीक है, कल रात हम सब उस पेड़ के पास चलेंगे और उस डायन से मुकाबला करेंगे एक विशेष पूजा द्वारा। आगे भगवान की इच्छा। चुड़ैल को पकड़ने और कैद करने का आखिरी मौका था और वो बहुत ही खतरनाक था। गांव में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते गांव के सारे लोग अपने बच्चों को लेकर चले गए थे। अब गांव में सिर्फ दो घर खुले थे, एक सुमना का और दूसरा उस औरत का जिसका बच्चा उठा ले गई थी चुड़ैल। बाबा ने बलि वाली रात उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। अभी बच्चों के पास कोई नहीं जाएगा। जब तक मेरी पिशाचिनी साधना पूरी नहीं हो जाती, कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं जाएगा। चुड़ैल आज यहाँ असली रूप में नहीं आ सकती। आज मैं भी उसे देखता हूँ, या तो वो रहेगी या मैं। देखो ममता, पागल मत बनो, सीधा घर चलो। देखो भगवान के लिए मेरी बात मानो। जब उस चुड़ैल ने पंडित को नहीं छोड़ा, मार डाला, तो हमारा क्या हाल करेगी? चलो भगवान के लिए चलो ममता। नहीं, आपको जाना तो चाहिए। मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। देखो ममता, ये आ गई है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। चलो भागो यहाँ से। तुम्हें मरना है तो ये तुम्हारा फैसला है। मैं नहीं मरना चाहता, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। कोई नहीं बचेगा, तुम सब के सब मरोगे। दीदी, हमारे बच्चे हैं तो ही हम हैं। हमारे बच्चों के बिना हम कुछ नहीं। आज हमें हिम्मत करके अपने बच्चों को बचाना ही होगा। हाँ दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने बच्चों को बचाना है। हाँ चलिए।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस चुड़ैल को मारने के लिए तुम्हारी आवश्यकता होगी, मुझे पिशाचनी साधना करनी होगी, और साधना पूरी होने के बाद तुम मेरी पोटली में रखी अभिमंत्रित कैंची से उसके बाल काट लेना, और उसके बाद उन बालों को अग्निकुंड में डाल देना, और उसके बाद तुम लोगों के बच्चे बच जाएंगे। बेटा ध्यान रखना, ये काम बड़े सावधानी से करना है। हमने बाल बच्चों के साथ गांव छोड़ दिया था, अब मैं दूसरे गांव में रहने लगा था। सुमन जी भी अपना घर छोड़कर अपने बहन के यहाँ शहर में रहने लगी थी, और फिर लौटकर गांव की तरफ रुखने किया था। अब तो लोग भी उस गांव की तरफ देखना मनहूस समझते हैं। काफी समय से यहाँ वीरान पड़ा हुआ है, कोई घर नहीं बसा। काफी समय बाद अब धीरे धीरे लोग वहाँ बसने लगे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उस टोनही चुड़ैल का साया अभी भी उस गांव पे है। भले ही वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी आवाजें और उसकी हंसी लोगों ने सुना है, विशेषकर पूर्णिमा की रात में। चुड़ैल, चुड़ैलों की कहानी हम सब ने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी। लोग कहते हैं कि चुड़ैल एक औरत का भूत होता है। चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी शक्ति उनके बालों में होती है, बच्चों को उठा के ले जाती हैं, बच्चों की बलि चढ़ा देती हैं इत्यादि। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोई गर्भवती स्त्री यदि बच्चा पैदा करते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसको क्रियाकर्म के लिए मुख्य द्वार से नहीं ले जाते, नहीं तो वो चुड़ैल बन जाती है। इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि आप इस प्रकार के अंधविश्वासों को पालें। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली जहां पे लोगों ने एक औरत के ऊपर चुड़ैल, भूतनी या छलावा होने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया। अंधविश्वासों को फैलने से रोकें, महिलाओं का आदर करें, उनकी रक्षा करें, सुरक्षित